चरनोबल ऐसा एक्सीडेंट था जिससे वो जो जैसे मैंने एक मरतबा आपको बात बताई थी कि थ्री माइल आइलैंड में इतनी इंजीनियरिंग की कामयाबी थी कि जितना भी जो वो हुआ हादसा उसके बावजूद भी कुछ चीज़ बाहर नहीं आई सब चीज़ें अंदर रह गई तो चरनोबल वो ऐसा था जिसमें सारी किसी चीज़ें सारी चीज़ें बाहर आ गई अंदर कुछ नहीं रहा तो फिर उसको कैसे निकालना कैसे करना वो बहुत लंबी कहानी है जो इस इस वक्त हमारे पास नहीं है अभी तक के वो रेडियो एक्टिव है ऑबियसली उन जो सारी जो जो है मटेरियल वो अभी तक के वहीं पे है उसको नीचे से अभी उन्होंने कूलिंग की हुई है हमें कांस्टेंटली हर साल मतलब ट्वेंटी फोर सेवन उसको कूल करते रहते हैं अगर कूल नहीं करेंगे तो दोबारा एक्सपोजर कर एक्सप्लोजर होने का ख़तरा है तो वो ये न्यू चर्नोबल वाली कहानी ख़त्म नहीं हुई है वो अभी तक जारी है लेकिन जो पुराना जो अशर हुआ था उसकी वजह से ये पूरा जो शहर है करापियत वगैरह वाला इसको इन्होंने वो दूर देखे आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट नजर आ रहा होगा वहां से लेके ये पूरा जो जगह है ना ये जो कोई अहाता है किसी डायमीटर का वो पूरे के अंदर उन्होंने सारी जगहों को अगले दिन से दूसरे दिन से ही उन्होंने खाली कराना शुरू कर दिया बस यहाँ ही जितना भी था वो जो ले जा सकते थे वो उसमें बैठ के लोगों का ये ख्याल था कि चलो जाएंगे एक दो दिन के लिए फिर वापस आ जाएंगे लेकिन जब से गए हैं अब उतने अर्से सालों साल हाँ साल हो गए हैं, लेकिन अब कोई वापस जाने की कोई तस्वर ही नहीं है क्योंकि वो जो फॉल आउट हुआ था ना जितनी भी चीज़ें ऊपर गई थी आग की वजह से वो सारी यहाँ पे बरसी हैं तो हर जगह रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ कुछ रह नहीं सकते सिर्फ कुत्ते रहते हैं वहाँ पर और कोई नहीं रहता ये है उसका असर अब उन्होंने उसको कि कभी ऐसा ना हो कि दोबारा हो जाए तो उसके ऊपर बहुत सारी उसने कॉन्क्रीट उन्होंने कॉन्क्रीट डाली है कॉन्क्रीट डाल के उसको बिल्कुल सील कर दिया है अच्छा ये दो रिएक्टर थे एक रिएक्टर में ये हुआ था दूसरा रिएक्टर चलता रहा था इसके बावजूद भी इस एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो चलता रहा था लोगों को इजाजत थी कि वो हर चार चार घंटे के लिए आते थे काम करके लिए करके चले जाते थे उनकी स्पेशल डाइट थी दूध था और आयोडाइन थी और ये वो चीज़ें खिला पिला के उनको भेज देते थे, थे चार चार घंटे के लिए कि वो जाके आ जाए अब वो भी बंद हो गया अच्छी बात यह हुई वरना तो वो भी काफ़ी एक्सपोजर उसके लिए हो रहा था लोगों को लेकिन ये अब थोड़ा सा स्टेबलाइट जरूर है कभी कभी दरार पड़ जाती है तो इसका मतलब अंदर से कोई ऐसी एक्टिविटी हुई तो फिर जाके उसको दोबारा बंद कर देते हैं लेकिन कॉन्स्टेंटली इसको मॉनिटर करना पड़ता है कब तक के करेंगे दस टेन टेन बिलियन ईयर्स इतनी हाफ लाइफ है ना यूरेनियम टू थर्टी एट की तो इसका मतलब ये सारा जो खर्चा है इसका चलता रहेगा वो उसके हिसाब से तो क्या ये खर्चा उसमें एस्टिमेट किया गया था जब इसकी फिजिबिलिटी बनाई थी जो ये प्रॉफिट और रिस्क uh, की बात करते हैं ना तो रिस्क इतना ज़्यादा होता है इन चीज़ों के अंदर कि वो प्रॉफिट को तो वैल्यूएट करना बिल्कुल उल्टी सी बात हो गई अब इसको देखें इसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे कि इसकी कांस्टेंट मॉनिटर मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर तक के मेंटेनेंस वगैरह ये वो और जो लोग डिस्टर्ब हुए उनकी कॉस्ट कहाँ जाएगी तो उसको लगा लेंगे तो कभी ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था इसको बनाए अब ये तो एक चीज़ है बाकी जो जो कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है चश्मा जो है वो उसकी भी तो यही है ना कुछ अगर इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ होगी तो फिर क्या करेंगे इसके लिए क्या उनकी फीजिबिलिटी क्या उनकी जो प्रॉफिट और जो रिस्क जो है उसकी एनालिसिस इस तरह है कि सारा रिस्क इवेलुएट हुआ हुआ मेरे हिसाब से तो नहीं बनता लेकिन बहरहाल चल रहे हैं वो चलते रहेंगे ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है सारी दुनिया में इंडिया में अमेरिका में फ्रांस में ये सारे ये देखें पूरा शहर जो छोड़ के लोग चले गए जो चरणोबल के अतराफ़ जो शहर था उसकी तस्वीरें देखें स्कूल की तस्वीरें जैसे जैसे थे ना वैसे छोड़ के एकदम से पूरा निकल गए वो पूरा घर था पूरी इमारतें थी स्कूल था ये भी ये एक शॉप था जहाँ के उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और एक आखिरी जो वो है वो ये फुकशिमा वाला है जो हमने देखा फुकशिमा में क्या हुआ फुकशिमा की भी एनालिसिस ये थी कि वो समंदर के साथ है ना उन्होंने कहा जी सौ साल में शायद एक मरतब ऐसी सुनामी आए कि उसमें शायद पानी अंदर आ सकता है सौ साल में वो आ गई सौ साल से पहले आ गई अब वो ये तो नहीं लिखा होता कि आ, 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 18 मार्च उन्नीस के बीस बा, के बाद जो अगली वाली आएगी वो आ, एक सौ साल के बाद इस दिन के बाद आ गई अगली वाली जो सुनामी है दूसरे दिन भी आ सकती है तो ये कैसे इवैल्यूएट करते हैं इसकी मेरी समझ में नहीं आती इन लोगों की इकोनॉमिक ईवेलुएशन इसका इम्पैक्ट ईवेलुएशन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ईवैलुएशन रिस्क इवेलुएशन वो क्योंकि रिस्क इतना बड़ा है कि आप प्रॉफिट को तो आप छोड़ ही दें फिर कितनी एग्जाम्पल दें एक चरनोबल वाली एग्जाम्पल थी एक एग्जाम्पल ये है अब चरनोबल में क्या हुआ सुनामी आई सुनामी से पानी सारा अंदर आ गया आपने इसकी यकीन तस्वीरें देखी होंगी कि जब चरनोबल की सुनामी आई थी दो में तो ये पानी जब अंदर आया तो जितने पंप वम्प थे जितने भी सिक्योरिटी वाली सेफ्टी वाली चीज़ें थी सब बंद हो गई सब जाकर पानी के अंदर चले आए तो क्या हो सकता है अब या तो ये कि इतनी बड़ी सेफ्टी की जाए कि सुनामी की प्रोटेक्शन हो वो फिर इतना कॉस्ट हो जाएगी कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते लेकिन वो वो कम होगी कॉस्ट जो अब देनी पड़ रही है अब क्या हुआ ये ए, एक तो एक्सप्लोजन ही हुआ था बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लोजन पूरा का पूरा कोर जो है आप देख रहे हैं ये कोर को अंदर से देख रहे हैं वो पूरा एक्सप्लोज हुआ पूरा कोर बाहर आया फिर उसको पानी डालते रहे लोग जाके अंदर पानी डालते रहे उनका एक्सपोजर कितना था वो जितनी भी लोग अतराफ थे उनको एक्सपोजर हुआ ये सारा खेती बाड़ी वाला इलाका था वो सारी खेती बाड़ी गई एक तो सुनामी से उनको नुकसान हुआ पूरा सब चले गए थे उसके अलावा फिर ये रेडियो एक्टिवी से नुकसान हुआ ऊपर नहले पे दहला अब वो पूरा इलाका फोक का भी बिल्कुल बंद हुआ हुआ है के उसके अतराफ़ ना कोई रह सकता है ना कोई खेती बाड़ी कर सकता है इसके साथ और भी रिएक्टर जो अभी तक काम कर रहे हैं चल रहे हैं बिजली फराहम कर रहे हैं लेकिन इस रिएक्टर के बाद जो मैंने आपको पहले बताए जो अब जो पानी आया था वो जब रिसीड हुआ तो वो कोर से जितने भी रेडियो एक्टिव चीज़ें थीं वो ले जाके समंदर में गई वो समंदर में क्या है अब समंदर में मछलियों को फ़र्क पड़ेगा चलो मछलियों को पड़ गया तो हमें कोई उससे ज़्यादा गरज नहीं है लेकिन वो जाके अब कैलिफोर्निया तक के इसकी रेडियो एक्टिविटी पहुँची है जैसे मैंने पे, पे, बताया था कि इतनी ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी नहीं है कि उससे कोई कंसर्न हो लेकिन पहुंची ज़रूर है है ना अगर इससे बतीत भी और भी कुछ गड़बड़ हो सकती थी कोई बहुत ही बड़े पैमाने पे ये एक्सीडेंट होता तो फिर तो सिर्फ़ फोकशीमा वाला इराक़ा नहीं बल्कि पूरा जापान भी उससे मुतासर हो सकता था पूरी दुनिया उससे मुतासर हो सकती थी इस एक्सीडेंट के बाद से जापान ने कहा है कि अब हम जो है मजीद कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगाएंगे तो उन्होंने पूरी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को वालेकुम कह दिया अब वो सारी चीज़ें अब कहाँ जाएंगे? उनकी ज़रूरत तो है ना अब वो या तो देख रहे हैं कोई रीनएबल एनर्जी के हिसाब से लेकिन रीनएबल एनर्जी जो है वो पाँच छः सात आठ फीसद फराम कर सकती है बाकी के लिए दोबारा उसी के ऊपर कोयला जलाना तेल जलाना तो ये टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हैं जो अब नहीं समझ में आ रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन कैसे काम करेंगे क्योंकि नहीं कोई एक चीज़ की सिर्फ मैं बताऊँगा एक मॉड्यूल के अंदर जो फ्यूजन वाला है वो शायद अगले सौ साल में जाके कुछ उससे काम बन सके लेकिन अभी क्या करेंगे टेक्नोलॉजी का तो कोई सलूशन नहीं है तो इस पर हम डिस्क आखिरी बिल्कुल जाके इस पर डिस्कस करेंगे कि सलूशन क्या है मेरे पास है एक सलूशन वो इनशाला आपको समझाऊंगा कि वो सलूशन क्या है वो टेक्नोलॉजिकल सलूशन नहीं है